हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टैक्स क्लासिफिकेशन जो एक्टिवेट कर देते हैं हम, इसके पहले मैंने ये भी सिखाया कि टैक्स क्लासिफिकेशन कैसे एक्टिवेट करते हैं। हर बार हम अपने हिसाब से टैक्स सेट करते हैं, ठीक है। तो टैक्स क्लासिफिकेशन एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको कैसे डीएक्टिवेट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये दिक्कत क्या होती है हमें। तो सबसे पहले वी प्रेस कीजिए, अकाउंटिंग वाउचर में आप आ जाएंगे, ठीक है। यहां से अब यहां पर परचेज में आ चुके हैं हम, ठीक है। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, आप जो भी डालना है। एंटर प्रेस किया, यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया, एंटर प्रेस किया, यहां पर परचेज अकाउंट आएगा। जैसे ही परचेज अकाउंट आप वहां पर सेलेक्ट करते हैं, यहां पर टैक्स क्लासिफिकेशन की डिटेल खुल करके आ जाती है। अब ये बार बार आप भरिए, इसको फिल ना करना पड़े बार बार, इससे छुटकारा मिल जाए। हम अपने हिसाब से इसको चलाएंगे जैसे हम पहले चलाते थे। ये टैक्स क्लासिफिकेशन की डिटेल बार बार ना आए, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर आप आ चुके हैं, ये देखिए ये परचेज अकाउंट यहां पे आ रहा है। यहीं पर रह करके आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है, ठीक है। जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होगी परचेज इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फिगरेशन का, और यहां पर आपको स्टेटरी ऑप्शन में आकर के, और यहां पर दिया हुआ है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, इसको आपको नो कर देना है। यहां से एन प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अब ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पर जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको कोई भी मैसेज ऐसा शो नहीं होगा टैक्स क्लासिफिकेशन का, और आप इसे पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि ये आपको पता चले कि इसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि मन में ये भी कंफ्यूजन आ जाती होगी कि ये डीएक्टिवेट कैसे होगा भाई, हर बार तो ये आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ प्राइस लिस्ट को लेकर के बनाने वाला हूँ, तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।